हमारे दादा, हमारे गुरु पूरन दादा। अब माँ दीनन को आए, आई एम बैक। इधर भी ध्यान दे दीजिए प्लीज। करण बेटा आ गया ऑफिस से, ये ले पानी पी ले और जल्दी से फ्रेशन अप हो जा, भोजन एकदम रेडी है गर्मा गर्म। लेकिन माँ ये सब क्या है, आप ही क्या पैकिंग कर रहे हो? बेटा कल तेरा बर्थडे है ना, तो मैं सोच रही थी क्यों ना तेरे नाम से गोदान किया जाए आश्रम में। ओ तो ये बात है, बढ़िया है बढ़िया है, लुटाओ और लुटाओ। मैं कहता हूँ आप ऐसा करो, आप सब कुछ लुटा दो, वैसे भी आपका तो रोज का है ना, कभी त्योहार कभी वो कभी ये सेवा कभी वो, और कुछ ना मिले तो वीकली भोजन की सेवा, दान ही सही, बढ़िया है बढ़िया है। आप एक काम करो आप ना सारा घर ही लुटा दो। बच्चे करण, दान देने से कभी कोई गरीब नहीं होता, रिमेम्बर बात पैसों की नहीं नियत की होती है, और जो देने का हुनर जानते हैं ना बरकत भी वही होती है। प्लीज ओ प्लीज माँ प्लीज, नो लेक्चर अगेन प्लीज। सीरियसली मतलब सारा दिन ऑफिस में मैं खपू, और जब कमाया हुआ पैसा यूज करने का वक्त आए तो लुटा दूं? रियली ये मेरी मेहनत का है, मेरा है, मैं क्यों दूं किसी को, क्यों दूं? जिसे चाहिए वो खुद कमाए और खाए, वाई शुड आई हैव टू डोनेट? क्यों दूं मैं किसी को दान? क्योंकि दान देना हमारा फर्ज है बच्चे, और जो जीवन में दान नहीं करता ना उसकी हालत राजा श्वेत की तरह हो जाती है, जिसने ताउम्र सब कुछ किया सब कुछ पाया लेकिन दान कुछ दान नहीं किया, और अंत में मरने के बाद उन्हें अपने ही शव का अपनी लाश का भक्षण करना पड़ा। कारण जानते हो? कारण कि उन्होंने अपना सारा धन सिर्फ अपने नश्वर शरीर के लिए खर्च किया, उन्होंने परोपकार के लिए कुछ भी नहीं किया, इसीलिए मरने के बाद उन्हें अपने ही मृत देह को खाना पड़ा। करण उन्हें अपने शरीर को खाकर अपनी भूख मिटानी पड़ी, क्योंकि दान नहीं किया था जीवन भर। What? Same old stories. I am done with this. कुछ भी मतलब कुछ भी कहोगे डराने के लिए आप। Anyways, आपको जो करना है करो, प्लीज मुझे बख्श दो, स्पेयर मी आउट प्लीज। ओके चल छोड़ परे, अब खाना खा ले। नहीं मुझे भूख नहीं है, ऑफिस में कुछ खा लिया था मैंने, यहाँ मेरा पेट भरा हुआ है, और वैसे ही मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके तो गुड नाइट, और प्लीज मुझे जल्दी मत उठाना, एक दिन मिलता है मुझे मुश्किल से सोने के लिए, उसमें भी आपके काम शुरू। ये ना समझ है मारे जी, ये कुछ नहीं जानता, कुछ भी कहता, ये आपको नहीं जानता मारे जी, इसलिए कुछ भी कह देता है। इसे क्षमा कर दीजिएगा मारे जी, इसे सदमार्ग दिखाइए, इसके जन्मदिन पर मेरी यही प्रार्थना है मारे जी आपसे, इसे सदमार्ग दिखाइए मारे जी, इसे सदमार्ग दिखाइए। नहीं यार, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है यार, ऐसे थोड़ी मतलब, नहीं, कोई अपनी लाश अपना मांस क्यों खाएगा, और मतलब कैसे खाएगा, शरीर है नहीं, मतलब कैसे खाएगा, शरीर है नहीं, मर चुका है फिर भी शरीर खाएगा,
नहीं यार, नो वे, नॉट पॉसिबल। दान ना करने पे ये पनिशमेंट? नहीं यार, माँ भी ना कुछ भी सुन के आती है और मान लेती है। दान है, कोई ट्रैफिक पुलिस का चलान थोड़ी है कि रूल तोड़ा और कट गया चलान। ऐसी कोई रूल बुक थोड़ी है। नहीं यार, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा लाइक दान की रूल बुक? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप भी बताइए भगवान जी, कोई रूल बुक है क्या? कोई रूल बुक है? होता है क्या ऐसा? टफ क्वेश्चन ना, आई नो। कोई नहीं, आप सोच लो, पूरी रात है आपके पास, सोच लीजिए, सुबह बता देना, आराम से बता देना। कोई टेक योर टाइम, कोई टेंशन नहीं ऐसी। मैं भी जाता हूँ सोने, आप सोचो। ओके, गुड नाइट। पितामह ब्रह्मदेव की जय हो, प्रजापति ब्रह्मदेव की जय हो, विरंची प्रभु ब्रह्मदेव की जय हो। कल्याणं भवतु। किं सर्वं कुशलं अस्ति वा? देव, मानव और दानव, आज आप तीनों एक साथ ब्रह्मलोक में पधारे हैं। अवश्य ही कोई विशेष संकट अथवा समस्या आन पड़ी होगी। संकट तो नहीं पितामह, परंतु समस्या अवश्य है, जिसके समाधान हेतु आपके चरणों में गुहार रखने हम तीनों एक साथ आए हैं। हे प्रभु, हम तीनों ने ही अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मार्गों का चयन किया है, परंतु हम तीनों इसके उपरांत भी क्यों इतने व्याकुल, असंतुष्ट और अप्रसन्न हैं ब्रह्मदेव? हमारी ये व्यथा कैसे समाप्त हो प्रभु, कैसे समाप्त हो? समाधान करें प्रजापति, समाधान करें। वत्स, ये लो, इसमें आपकी समस्याओं का समाधान निहित है। तथास्तु। द अर्थात? द अक्षर से कैसे समाधान होगा? नारायण नारायण, ये द अक्षर ही आप तीनों की सभी समस्याओं का निवारण है। प्रणाम मुनिवर, कल्याणं भवतु। ये द अक्षर ही आप तीनों के लिए अमृत तुल्य औषधि है। द से दमन, दया और दान। नारायण नारायण। कृपया कर विस्तार पूर्वक कहें मुनिवर। अवश्य। नारायण नारायण, जिसमें जिस चीज का अभाव है उसके द का उसी के अनुसार प्रभाव है। देवों में अत्यधिक इंद्रिय सुख ही दुख का कारण है, इसलिए देवों का द है दमन, दमन करना सीखें। दानवों में अत्यधिक क्रूरता दुख का कारण है, इसलिए दानवों का द है दया, दया भाव अपनाएं। और मानव नारायण नारायण। और मेरे द से प्रजापति ब्रह्मदेव क्या शिक्षा दे रहे हैं मुनि श्रेष्ठ? हे मानव, आपके जीवन में द का अर्थ है दान, यानी आपका जीवन दान की आधार भूमि लेकर ही समृद्धि व संपूर्णता को प्राप्त होगा। पितामह का मानव जाति के लिए यही संदेश है। नारायण नारायण। हे, हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो सर जी, एक्सक्यूज मी सर जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सर जी,
गुरुजी नहीं, आई मीन नारद जी हैं, राइट राइट, और वो ब्रह्मा जी हैं, राइट राइट, देव मानव दानव, राइट राइट, और मैं करण, राइट रॉन्ग, सॉरी, आई मीन पेरिपोना, कल्याणम, क्या कहीं तो कल्याण हुआ मेरा, वरना मेरी माँ, मेरी सगी माँ मेरा नुकसान करने पे तुली हुई है, बताइए ये भी कोई बात है? सही बात है, पर कैसे? वो ऐसे कि बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, पैसे लुटाने के लिए चलो करें सब दान। ओह सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, I'm really sorry. तुलसी पंछिन के पिए घटे ना सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। समझे नारायण नारायण, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान, और त्यागने के लिए अभिमान ही सर्वोत्तम है पुत्र। उत्री, दान दियो नहीं, ज्ञान लियो नहीं, और अभिमान वो तो खानदानी है, अब क्या करूं, फंस गए बेटा करण। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। अर्थात इस चलायमान संसार में जो कुछ भी चलता हुआ है, क्रियान्वित है, वो सब ईश्वर से आच्छादित है, इसलिए उपनिषद कहते हैं कि त्याग भाव से भोग करो और किसी के भी धन का लालच मत करो। नारायण नारायण, अरे तभी तो दान कर पाओगे। की भावना से भोग, ये नारद जी आपको नहीं लगता ये कितना इम्प्रैक्टिकल है? ओ मेरा मतलब है कि ये कितना अनरियलिस्टिक है, नहीं? अच्छा ये बताओ वत्स, कि तुम आस्तिक हो या नास्तिक, भगवान को मानते हो या नहीं मानते? मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, पर ढोंग पाखंड और आडंबर को नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं। बातें बड़ी बड़ी त्याग की दान की करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल उलट, नाम बड़े और दर्शन खोटे। वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ वत्स, कि इस ढोंग पाखंड और आडंबर से परे सच्ची आस्तिकता व मनुष्य के आदर्श व्यक्तित्व का सच्चा परिचय देने, वो भगवान स्वयं इस धरा पर आते हैं और मानव जाति के समक्ष उदाहरण रखते हैं, आदर्श स्थापित करते हैं स्वयं के जीवन से, जैसे प्रभु श्री राम ने सच्चे त्याग का आदर्श स्थापित किया स्वयं के जीवन दर्शन से। आओ देखें। आपका कथन सर्वोपरि है प्रभु, परंतु एक बार आपने अपने इस दास भरत की दयनीय दशा का भी तो सोचा होता। आप तो पितृ धर्म का वहन करते हुए उनके द्वारा दिए गए माता कैकेयी के वरदान को शिरोधार्य कर यहाँ वन में वास करने चले आए, और मुझ दीनहीन को वहां स्वर्ण की सलाखों की शैया पर छोड़ा है प्रभु। क्यों प्रभु क्यों? प्रिय अनुज, पिताश्री ने माता कैकेयी को दो वर दान में देने का वचन दिया था, और भरत वरदान को पूर्ण करने में यदि प्राण भी चले जाएं, तो ये जीवन
धन्य हो जाता है। उन वरदानों में से एक वरदान का वहन मुझे यहां वन में रहकर करना है, वन प्रजा के उद्धार के लिए, और दूसरे वरदान का तुम्हें अयोध्या में रहकर वहन करना है, जन प्रजा के कल्याण के लिए प्रिय अनुज। परंतु भैया, इस वरदान को हम यहां वन में रहकर और आप अयोध्या में रहकर भी तो पूर्ण कर सकते हैं। तुम्हारी भावना और प्रेम का मैं निश्चय ही सम्मान करता हूं शत्रुघ्न, परंतु यह वरदान केवल मात्र वन या महल में रहने तक सीमित नहीं है भ्राता। वास्तव में ये वर स्वयं में अनेक दान समेटे हुए है। तात्पर्य प्रभु, माता कैकेयी के वरदान स्वरूप यहां वन में हमारे वास से ऋषियों और ब्राह्मणों को, आश्रम वासियों को अभय दान मिलेगा। यज्ञ कर्मों, जप तप, धर्म अनुष्ठानों को अभय दान। वन में निवास करने वाले असंख्य मानवों और मनुष्यों को ज्ञान दान मिलेगा, अर्थात अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होगा, जिसकी उन्हें जन्म जन्मांतर से पिपासा थी, और साधकों और भक्तों को मोक्ष दान मिलेगा, जो जीवन का चरम उद्देश्य होता है। और इन सभी दानों की सिद्धि हेतु हमें राजपाट, भोग, ऐश्वर्य का दान तो करना ही था अनुज। हे प्रभु, आपकी लीला केवल आप स्वयं ही समझ सकते हैं। इस वनवास के कष्टों में भी आप मानव समाज के कल्याण के लिए स्वयं अपने सुखों की आहुति दे रहे हैं प्रभु। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। अनुज भरत, इन्हीं आहुतियों से ही अभय दान, ज्ञान दान, मोक्ष दान आदि का महायज्ञ सफल होगा, तभी तो यह धरा समृद्ध और शांतमय होगी। अतः इस महान लक्ष्य की पूर्ति हेतु अयोध्या के राज कार्य को निर्विघ्न संभालना ही तुम्हारा इस लक्ष्य में योगदान होगा। इसलिए जाओ भ्राता, तुम अपना धर्म निभाओ और मुझे अपना धर्म निभाने दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, प्रभु की जय हो, जय श्री राम। तिन समान कोई और नहीं जो देते सुख दान, सबसे करते प्रेम सदा औरन देते मान। नारायण नारायण। जब कार्य महान हो तब त्याग और दान की परिभाषा ही बदल जाती है, क्योंकि तब वरदान त्याग बन जाता है और त्याग वरदान बन जाता है। माता कैकेयी का वरदान त्याग बना श्री राम के लिए, और श्री राम का त्याग वरदान बना वनवासियों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, जन साधारण के लिए, संपूर्ण धरा के लिए। हर हृदय राममय हुआ, हर व्यक्ति में राम राज्य स्थापित हुआ। नारायण नारायण। तभी माँ कहती है, राम मीन्स राइट एक्शन मैन, living example of a leader who leads by being an example, जो उदाहरण बन जाए। प्रभु श्री राम और उनके भ्राता भरत के इस श्रेष्ठ त्याग का आदर्श लेकर, उनके महान जीवन चरित्र से शिक्षा प्राप्त कर ही ये मानव जाति श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकती है वत्स। बस इसीलिए वत्स,
ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। उसका दिया उसको ही दिया, सब उसका सब उसी को दिया। नारायण नारायण। सब सब नहीं सब नहीं सब नहीं सब 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 नहीं सब नहीं सब नहीं मिनिमम 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 बता दो प्लीज। अच्छा मिनिमम, तो ये बताओ वत्स कि बैंक में टीडीएस कितना कटता है? 10% यूजुअली, आई मीन 10% आमतौर पर। मनुस्मृति में भी यही निर्धारित किया गया है, ज्यायो जार्जित विप्रेन दशमंशिन धामिता, अपनी आय का 10% दान करें, दशांश वितरण करें, अन्यथा गरुड़ पुराण कहती है इष्टान भोगन ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर द प्राण प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। अर्थात जो प्राप्त हुई धनराशि का भोग पदार्थों में उपयोग से पहले भगवान का अंश निकाले बिना सब कुछ अपने और अपने परिवार पर ही खर्च लेता है, वो चोर है। नारायण नारायण। चोर? शिव 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 नारद जी, हम भोलेनाथ के भक्त हैं, हम कहाँ चोर। 10% भोजन सेवा भोदान गोदान अनदान सब चल रहा है फुल ऑन। माँ करती है, मेरी माँ करती है, मेरी सगी माँ सब करती है, चोर कहाँ चोर के। अच्छा तो फिर ऑफिस भी माँ जाती होगी, पिज्जा डोनट भी माँ ही खाती होगी और बुलेट भी माँ ही चलाती होगी। नारायण नारायण। मेरा मूड खराब हो जाता है यार, घोर कलयुग है नारायण नारायण, इतने ढोंगी पाखंडी ड्रामेबाज हैं, अब इनके समोसे चटनी क्लब होटल के लिए दान दूं मैं? नारद जी द नेशन वांट्स टू नो, जनता जवाब चाहती है। अरे 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 बता रहा हूँ वत्स, इतने अधीर क्यों हो रहे हो? कंट्रोल कंट्रोल वत्स, ये ब्रह्मलोक है, कोई डिबेट शो थोड़े ही ना है। कंट्रोल, शांत रहिए। तुम्हारी शंका है कि दान कहाँ देना चाहिए, तो वत्स दान तो प्रभु कार्य में ही देना चाहिए। प्रभु कार्य को समझने के लिए भगवान को जानना जरूरी है, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति अंतर्घट में करना जरूरी है। एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही हमें भगवान का दर्शन करवा कर सही और गलत में भेद करना सिखाते हैं, और तब ये समझ में आता है कि दशांश देना कहाँ है, किस कार्य के लिए देना है, और तब हमारा कुछ भी दिया हुआ दान नहीं बल्कि प्रभु कार्य में योगदान बन जाता है। नारायण नारायण। और जो ये नहीं करता उसकी दशा राजा श्वेत की तरह हो जाती है, उसे तो डन डन 10% डन नारद जी, लॉक किया जाए, आप 10% लॉक कर, पर अपना मांस अपना मांस खाना पड़े, ऐसा श्राप ना दो ब्रो। आई एम सॉरी नारद जी। अब तो हम दोस्त है ना, अब तो हम दोस्त है राजा श्वेत, not happening, please। वैसे भी कल मेरा बर्थडे है, right? मेरा बर्थडे है, एरा, तो वरदान तो बनता है। उत्तम, अति उत्तम। तुम्हारी बुद्धि तो अत्यंत तीव्र होती जा रही है पुत्र। नारायण नारायण।
अच्छा ये बताओ वत्स, दानवीर शब्द सुनते ही किसका नाम सबसे पहले याद आता है तुम्हें? अपना। अपना? हाँ, करण अपना। नारायण नारायण। अच्छा, नाम के अलावा और क्या समानता है तुम में और दानवीर कर्ण में? सोच लेना सोच लेना, तसल्ली से सोच लेना निद्रा खुलने के बाद, और अगली बार जब भेंट होगी तब बता देना, ठीक है? अभी के लिए महावीर के महादान का अनुभव कर लेते हैं। चलो चलो शीघ्र चलो। हे केशव, इस वेश में कहां ले जा रहे हैं आप? क्यों पार्थ, भय लगता है? जिसके मार्गदर्शक स्वयं गोवर्धन धारी हूं उसे कैसा भय, परंतु यहां कुरुक्षेत्र में इस दृश्य को देखने से हृदय में नाशवान जीवन की क्षण भंगुरता और उसके प्रति विरक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है। सत्य वचन कौन थे, इसलिए इस क्षण भंगुर जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। यदि अपने जीवन के अंतिम चरणों में भी कुछ ज्ञान वर्धक शिक्षा प्राप्त हो तो अवश्य ही धारण करनी चाहिए, और यदि किसी और के जीवन के अंतिम क्षणों से सीख मिलती हो तो उसे ग्रहण करने के लिए भी सर्वदा सज्ज रहना चाहिए अर्जुन। अर्थात हम यहाँ रक्त रंजित गुरु भूमि में किससे अंतिम चरणों में शिक्षा प्राप्त करने आए हैं केशव? अर्जुन आओ चले। किंतु कहाँ मधुसूदन? महारथी दानवीर कर्ण जो क्षत विक्षत अवस्था में मृत्यु का आवाहन कर रहे हैं उनके पास। महारथी दानवीर, केशव आपके मुख से ये शब्द कर्ण के लिए शोभायमान नहीं प्रतीत होते। क्यों पार्थ, क्या तुम कर्ण को महारथी नहीं समझते, उन्हें दानवीर नहीं मानते? कर्ण महावीर हो सकते हैं पर महारथी नहीं, दानवीर, और वो भी सूत पुत्र, यह मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता केशव। तुम भूल रहे हो पार्थ, कदाचित तुमने युद्ध में कीचड़ में धसे रथ के पहिए को निकालने में प्रयत्नशील शस्त्रहीन कर्ण को अपने तीव्र बाणों से क्षत विक्षत किया है। संभव है इसी अभिमानवश तुम उन्हें महारथी नहीं समझते, किंतु तुम्हें विदित नहीं धर्म की स्थापना हेतु कर्ण को धराशायी बनाने में अकेले तुमने ही नहीं कुछ अन्य शक्तियों ने भी कार्य किया है, और यदि यंगराज ने अपने इस दानवीरता के गुण का त्याग कर दिया होता तो कदाचित तुम्हारा सामर्थ्य उन्हें पराजित नहीं कर पाता अर्जुन। अविश्वसनीय केशव, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आओ धनंजय, हम तुम्हें कर्ण के महान व्यक्तित्व का परिचय करवाएं। अंग नरेश की जय। आप कौन है महानुभावो? हम याचक हैं। प्रणाम। धन्य भाग, जीवन की अंतिम वेला में भी कर्ण याचकों के दर्शन से कृतार्थ हुआ, किंतु
किंतु आप यहाँ इस वातावरण में कैसे पधारे? याचकों का कार्य है याचना करना, समय या समय देखना नहीं। अंगराज, आप अपनी दानशीलता के कारण देश देशांतरों में प्रसिद्ध हैं। दान वीर कर्ण के अंतिम दर्शनों की लालसा को हम याचक रोक ना सके, और इस युद्ध भूमि में भयानक दृश्यों को देखते डरते डराते हम यहाँ तक आ ही पहुंचे। अत्यंत कृपा, कहिए इस स्थान पर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें जौ भर स्वर्ण चाहिए अंगराज। स्वर्ण? स्वर्ण यहाँ कहाँ याचक, यहाँ तो चारों ओर रुधिर रक्त आप देख ही रहे हैं। आप मेरे मित्र दुर्योधन के पास चले जाएं, वहां आप जो चाहेंगे जो मांगेंगे वह सब आपको मिल जाएगा। चिंता ना करो अंगराज, हम तो केवल आपके दर्शनों के लिए आए थे। जब आपने हमारी इच्छा पूछी तो बता दी, नहीं तो कोई याचना की बात नहीं थी। अब जौ भर स्वर्ण के कारण कौन कौरव शिविर जाए और व्यर्थ आपके मित्रों को कष्ट दे? अच्छा, आज्ञा अंगराज। ठहरो याचक, कर्ण से मांगने वाला आज तक निराश नहीं लौटा, तुम भी नहीं लौटोगे। मैं अपने मुख के इस स्वर्ण दंत से तुम्हारी याचना पूर्ण करूंगा। लो याचक, कर्ण के जन्म का यह अंतिम चिन्ह, अंतिम वेला में अंतिम बार कर्ण के हाथ से ले लो। आज मैं प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न। छी छी राजन, बुद्धिमान होकर यह मुख का झूठा पदार्थ याचकों को दान में देते हो? यदि दान देना ही है तो इसे जल में धोकर शुद्ध करके दो। क्षमा याचक, जल भी नहीं, तब मैं क्या करूं? बाणगंगा, हाँ यही याचक, कष्ट तो होगा, तनिक उधर पड़ा हुआ वह धनुष बाण उठाकर मुझे दे सकते हो? वह धनुष बाण? नहीं राजन, कदापि नहीं, वह रक्त में सना पड़ा है, हम उसे स्पर्श कर अपने हाथों को दूषित नहीं करेंगे। अच्छा, तुम अपने हाथों को दूषित ना करो, कर्ण स्वयं उठा लेगा। Ah!
लो याचक, तुम्हारी याचना पूरी हुई। हमारी याचना पूर्ण हुई और साथ ही आपके प्रति मेरे अविश्वास की काली मां भी धुल गई। मैं पांडु पुत्र अर्जुन आज आपको हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आपकी दान वीरता को दंडवत प्रणाम है मेरा सूर्य पुत्र, दंडवत प्रणाम है। कौन कौन तुम? तुम अर्जुन? और आप वासुदेव? वासुदेव कृष्ण प्रणाम। हाँ अखंड, हम अर्जुन को तुम्हारी शूर वीरता और दान वीरता का आदर्श दिखलाने लाए थे। धन्य हो तुम और धन्य है मातृ वसुंधरा, जिसके अंक में तुम जैसे दान वीर का जन्म हुआ। नारायण नारायण। वंदन अभिनंदन करे धरा और आकाश, दान वीरता आपकी जग में है विख्यात। श्रेष्ठी जन में श्रेष्ठ है दान वीर सरताज, सदा आपके शीश सजे दान पति का ताज। नमन है नमन है ऐसी दान वीरता को, नारायण नारायण। अरे वत्स, तुम किस सोच में पड़ गए? यही कि किसी ने ठीक ही कहा है। व्हाट्स इन नेम? नाम में क्या रखा है? करण नाम होने में और दान वीर कर्ण होने में बहुत फर्क है नारद जी। सत्य वचन। रहिमन दानी दरिद्रतर, तउ जांची वे योग, ज्यो सरितन सूखा परे कुआ खनावत लोग। यदि दानी व्यक्ति अत्यधिक गरीब हो जाए तब भी वह याचना करने योग्य रहता है, ईश्वर उसके पास कुछ ना कुछ देने योग्य रहने देते हैं। यदि नदी सूख जाती है तो लोग उसमें कुआं खोद कर भी जल को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कर्ण का स्वर्ण दंत। नारायण नारायण। बट ब्रो, आई मीन नारद जी, वन मोर क्वेश्चन पूछो। पूछिए पूछिए नारद जी। क्या डोनेशन सिर्फ मॉनेटरी है? मतलब धन का दान ही है महादान? तन का दान, मन का दान, श्रम का दान, समय का दान, दे डोंट हैव एनी स्थान? डू गेट इट? आप समझ रहे हैं मेरी भावना? हाँ वत्स, सब समझ रहे हैं हम। अवश्य हो सकता है, पर ये भी तो सर्वविदित सत्य है कि जहाँ धन जाता है वहाँ हमारा मन स्वयं चला जाता है, और जहाँ हमारा मन जाता है वहाँ तन तो पीछे पीछे चल पड़ता है। समझ गया। जस्ट लाइक कि मैंने जिम में धन दिया तो मन जाने के लिए पक्का हो गया और तन तो बाय डिफॉल्ट जाएगा ही। वाओ नारद जी वाओ, मतलब मानना पड़ेगा आपको, फैक्चुअल बात करते हैं आप। बट नारद जी एक क्वेश्चन, ये जो सारी बातें हैं, बातें स्टोरीज फैक्ट्स एग्जाम्पल्स, ये सब पुराने जमाने की बात है। जनसेवा की भावना पर पीड़ा संताप, ऐसे श्रेष्ठी अब कहाँ जैसे दानी आप। कलयुग में कहाँ ये सब। या आपकी थ्योरी थोड़ी सी डावाडोल दिख रही है। बस पुण्य काज में दान को
तत्पर रहे तुरंत, सर्वश्रेष्ठ उसको कहें ज्ञानी ध्यानी संत। जोरदार प्रश्न का जोरदार समाधान भी दिए देते हैं। चलो दिखाता हूँ कैसे। चलो वत्स, चलो। भिक्षुओं, महान चरित्रों का निर्माण महान कार्यों को करने से और महान विचारों के संचय से होता है। फिर ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण गृहस्थ में रहकर भी हो सकता है और संग में रहकर भी। बस कार्य और विचार महान होने चाहिए। सुदत्त, श्रावस्ती में सब कुशल से तो है? हे महाबुद्ध, आपकी दया दृष्टि से सब कुशल है। बस मेरी एक छोटी सी विनती है भगवन, यदि आपकी आज्ञा हो तो। क्या इच्छा है तुम्हारी सुदत्त? मेरी इच्छा है भगवन कि आप अपने संग के साथ मेरे नगर श्रावस्ती में पधारने की कृपा करें। हे प्रभु, श्रावस्ती युगों से प्यासी है, आपकी स्नेह वर्षा की कुछ बौछारें वहां भी पड़ जाएं तो हमारे अहो भाग्य। आप आएंगे ना तथागत? अवश्य, आने वाला चतुर्मास अपने संपूर्ण संघ शिष्यों के साथ हम श्रावस्ती में ही बिताएंगे। भगवान महाबुद्ध की जय हो। बोलो महाबुद्ध की जय। महात्मा बुद्ध की जय। भिक्षु आनंद। कहो सुदत्त, कुछ पूछना है? हाँ भिक्षु, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि भगवान बुद्ध को कैसा स्थान प्रिय होगा जहाँ महाबुद्ध अपने शिष्यों के साथ 4 महीनों तक आनंद से विहार कर सकें? सुदत्त, तथागत को एकांत अत्यंत प्रिय है, इसलिए कोई ऐसा स्थान ढूंढना जो नगर की भीड़ भाड़ से दूर हो, पर इतना भी दूर नहीं हो कि भिक्षुओं को नगर से भिक्षा लाने में दिक्कत आए, या फिर श्रद्धालु जन महाबुद्ध का दर्शन करने और उनकी देशना सुनने आ ही ना पाए। उचित है। प्रणाम आनंद, धन्यवाद। कहाँ निवास करेंगे मेरे महाबुद्ध? श्रावस्ती में ऐसी कौन सी धरा है जहाँ जगत पिता आनंद से विहार करेंगे? हे महाबुद्ध, मार्ग दिखाएं। अरे सुदत्त महाशय, कैसे हो? कहाँ थे इतने दिन, दिखे ही नहीं। भाई, वो सब बाद में बताता हूँ, पहले ये बताओ कि हमारे श्रावस्ती में कोई अच्छी सी भूमि सुझाओ जहाँ हजारों लोग एक साथ आनंद में विहार कर सकें। अरे इतना बड़ा भूमि खंड किस लिए चाहिए तुम्हें? लगता है उसकी भूमि सही रहेगी। अगर इतने लोगों की व्यवस्था करनी है तो वहां चले जाइए। पता नहीं वो देगा भी कि नहीं। भूमि थोड़ी महंगी है पर लगता है उपयुक्त होगी। देखो, जाकर पूछना पड़ेगा और मोल भाव तो करना ही होगा। अच्छा ठीक है, मैं वहां प्रयास करता हूँ। कहाँ जाऊं? हे प्रभु, मार्ग दिखाओ। प्रभु मार्ग दिखाओ। सुदत्त, किन विचारों में खोए हुए हो? बाबा, चतुर्मास आने ही वाला है और अभी तक
शास्ता और संघ के ठहरने का उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया। क्या आपके पास कोई सुझाव है? मेरे विचार से श्रावस्ती की सीमा पर एक मनोरम आम्रवन है, वह स्थान हर दृष्टि से उपयुक्त होगा। अच्छा अच्छा बाबा, बताइए ना कैसा स्थान है वो, बताएं। अरे सुदत्त, बस समझ लो कि वह पूरा वन हरियाली से धुला हुआ है। चारों ओर फल, फूल, पत्तियां, सुंदर सुंदर क्यारियां, इठलाते हुए भंवरों के झुंड, ताजी मनोहर सात्विक हवा, गुलाब और मोगरे की भीनी भीनी खुशबू, आहा क्या दृश्य है वहां का। ऐसा लगता है मानो धरा नहीं बैकुंठ है बैकुंठ। अद्भुत अद्भुत बाबा अद्भुत। बस अब इतना और बता दीजिए कि ये दिव्य भूमि किसकी है, मुझे किसके पास जाना होगा? ये थोड़ा पेचीदा काम है सुदत्त बाबू। आप बताइए ना। मैं अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आप कहें, आप बस कहें। सुदत्त बाबू, कौशल नरेश के पुत्र युवराज जेत इस वन के स्वामी हैं, और सुना है उन्हें ये स्थान प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मुझे तुरंत राजकुमार जेत से मिलना होगा। आपका बड़ा उपकार हुआ। युवराज जेत की जय हो। श्रावस्ती के अनाथ पिंडक कुमार सुदत्त आपसे मिलने की अभिलाषा रखते हैं। ले आओ। युवराज की जय हो। आपका परिचय? युवराज, मैं भगवान महाबुद्ध का शिष्य हूँ। आपके चरणों में एक विनती लेकर आया हूँ। चतुर्मास में भगवान बुद्ध और उनके असंख्य शिष्यों को श्रावस्ती में विहार के लिए मेरा निमंत्रण है। इसके लिए उन्होंने स्वीकृति भी दे दी है। तो भगवान के रहने के लिए स्थान भी तो उपयुक्त होना चाहिए। तो राजकुमार, पूरे श्रावस्ती में केवल आपका आम्रवन ही मुझे अपने भगवान के विहार के लिए उपयुक्त जान पड़ता है। बस उसी का सौदा। कैसी बात करते हो सुदत्त, कदापि नहीं। आम्रवन मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं किसी भी मोल पर उसे नहीं दूंगा। राजकुमार देखिए, मना मत कीजिए। आप जितना कहेंगे उतना धन मैं उस वन के बदले में देने को प्रस्तुत हूँ। अरे सुदत्त, 1,000 या 2,000, 5,000 या 10,000, चाहे जितनी मर्जी अशर्फियां दो, तो भी इस वन का सौदा मैं नहीं करूंगा। राजकुमार, एक बार बस सुदत्त, राज मर्यादा का ध्यान रखो। मैंने कहा ना, उस वन का सौदा असंभव है। लेकिन राजकुमार, मैं ये सौदा अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहता हूँ, जो इस पूरी सृष्टि के मालिक है उनके लिए। राजकुमार जेत, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने प्राण तक दे सकता हूँ। बस आप मुझे मना ना करें, जो चाहे कीमत लगा लें। बस आप मुझे कीमत बता दें राजकुमार, कीमत बता दें। अरे जाओ जाओ सुदत्त, इस वन की तुम क्या कीमत आंकोगे? इसकी सारी भूमि पर स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी जाएं, तब कहीं जाकर इसका मूल्य सदता है किसी में इतना जिगरा जो मेरे आम्र वन को खरीद सके? मैं खरीदूंगा। तुम्हारे पूरे वन में स्वर्ण मुद्राओं की चादर बिछा दूंगा। अब बस तुम अपनी जुबान से पीछे मत हटना राजकुमार, पीछे मत हटना।
मैं वही मूल्य दूंगा जो तुमने कहा है। प्रणाम राजकुमार, प्रणाम। करवाने वाले तो आप हैं प्रभु, आप ही करवाएंगे। मैं भी देखता हूँ कैसे उस कई एकड़ के वन में स्वर्ण मुद्राएं बिछाता है। इतिहास बताता है कि सुदत्त अपना घर, व्यापार, धन धान्य सब कुछ दाव पर लगाकर उस वन को स्वर्ण मुद्राओं से ढकने में जुट गया। पाई पाई इकट्ठी कर असंख्य स्वर्ण मुद्राओं को वन में बिछाने लग पड़ा। एक चौथाई वन भाग, आधा वन भाग, लगभग तीन चौथाई वन भाग में स्वर्ण मुद्राएं ऐसी बिछ चुकी थी जैसे स्वर्ण नहीं कंकरीले पत्थर हों। और सुदत्त स्वयं मजदूरों की तरह इस कार्य में जुटा हुआ था। खबर राजकुमार जेत तक पहुंची तो उनसे देखे बिना रहा नहीं गया। तब सुदत्त, क्यों कर रहे हो ये पागलपन? आखिर किस लिए? उसके लिए जो इस वन का ही नहीं सारे जगत का स्वामी है, भगवान महाबुद्ध। अरे समझते क्यों नहीं, उनके आने से पहले पहले तुम कंगाल हो जाओगे, कंगाल। समझते तुम नहीं कुमार, उनके आने से मेरी ही नहीं सारी सावस्ती की दरिद्रता दूर हो जाएगी, सबकी आत्मा आनंदित हो उठेगी, माला माल हो जाएगी। बस बस शांत हो जाओ सुदत्त, शिष्य की ऊंचाई तो देख ली, अब हम उसके भगवान की ऊंचाई देखना चाहते हैं। सुदत्त, अब एक भी और सिक्का इस जमीन पर मत बिछाना, बची हुई जमीन हमारी ओर से उपहार समझो। हम भी तुम्हारे भगवान के दर्शन के लिए अधीर हैं। और अब वह दिव्य घड़ी भी आ गई जिसका सुदत्त पल के बिछाए कब से इंतजार कर रहा था। भगवान महाबुद्ध की जय हो, भगवान महाबुद्ध की जय। सुदत्त, तुमने तो मुझे सर से पांव तक सोने में मार दिया। आपका दिया आपको दिया, मेरा क्या है भगवान? तुमने इस वन का क्या नाम रखा है सुदत्त? तथागत, यह शुभ कार्य आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वैसे भगवान, कुमार जेत ने इस वन का बहुत बड़ा भाग बेमोल दान में दिया है, क्यों ना उन्हीं के नाम पर। आज से यह वन जेत वन कहलाएगा। प्रभु, सिर्फ एक चौथाई भूमि दान में देने वाले को आपने इतना सम्मान दे डाला, क्या अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले इस सुदत्त को आप कुछ ना दोगे प्रभु? सुदत्त तो लेन देन के व्यापार से बहुत ऊंचा उठ चुका है, इसने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, अब मेरा सब कुछ इसका है। क्या पिता को अपने पुत्र को कुछ देने की आवश्यकता है? पिता का सब कुछ पुत्र का ही तो है। भगवान महाबुद्ध की जय हो,
बोलो महाबुद्ध की जय। महात्मा बुद्ध की जय। बोलो महात्मा बुद्ध की जय। नारायण नारायण, क्या अब भी कोई संशय है पुत्र? संशय तो नहीं, पर शर्मिंदगी जरूर है। अब तो माँ की कही हुई बातें याद आ रही हैं कि दिया ज्यादा है या मिला ज्यादा है। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना दे सकता है या देता है। मायने ये रखता है कि कौन किस परिस्थिति में और किस भाव से दान करता है। उत्तम, अति उत्तम, नारायण नारायण। अच्छा नारद जी, वन लास्ट क्वेश्चन। मैंने अक्सर देखा है कि अच्छे लोग दान पुण्य करते हैं, पर फिर भी उनके जीवन में दुखी होते हैं, और बहुत से दुष्ट लोग जो ऐसा कोई दान धर्म का काम नहीं करते, फिर भी सभी सुख उन्हीं के पास होते हैं। ये कैसी आयरनी है? नारायण नारायण, इस संशय का निवारण तो स्वयं माँ उमा भवानी और सदा शिव कर रहे हैं। चलो वत्स, चलो, सर्व संशय समर्पयामि। नारायण नारायण। हे प्रभु, धनवान व्यक्तियों में कुछ ऐसे हैं जो समस्त वैभव संपदा होते हुए भी उनका उपभोग नहीं कर पाते, इसका क्या कारण है प्रभु? हे देवी, जो व्यक्ति स्वेच्छा से शुभ कार्य नहीं करते बल्कि दूसरों के कहने पर करते हैं और दान भी बिना किसी विश्वास से करते हैं तथा बाद में उसके लिए रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, वे व्यक्ति जब पुनः जन्म लेते हैं तब उन सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पाते। वे केवल कोष के सैनिकों की भांति अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं और उसमें वृद्धि करते रहते हैं। हे महेश्वर, अनेक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो निर्धन होने के उपरांत भी सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, इसका क्या कारण है कृपया मुझे बताएं। देवी, वे व्यक्ति जो धनी ना होने पर भी दान तथा परोपकार के कार्य करने को तत्पर रहते हैं, वे पुनः जन्म लेने पर, निर्धन होने पर भी सुखों का उपभोग करते हैं। एक और शंका का भी निवारण कर दीजिए। यूं तो तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले वे जो बिना किसी परिश्रम के सर्वोत्तम स्थान, संपन्नता व धन प्राप्त करते हैं। दूसरे वो जो परिश्रम करके ये सब प्राप्त करते हैं, तथा तीसरे वे जो अत्यधिक परिश्रम करके भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। प्रभु, ये इनके किन कर्मों का फल है कृपया बताएं। हे देवी, वे व्यक्ति जो दान करने को इच्छुक रहते हैं तथा बिना अपना परिचय दिए दान प्राप्त करने योग्य व्यक्तियों को दान देकर उन्हें प्रसन्नता प्रदान करते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति अपने पिछले जन्म के शुभ कर्मों का उपभोग अपने अगले जन्म में बिना परिश्रम किए प्राप्त करते हैं। दूसरे व्यक्ति उस प्रकार के होते हैं जो मांगने पर ही दान करते हैं। उन व्यक्तियों को परिश्रम करके ही अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कहे जाने पर भी दान नहीं करते, उनकी अंतरात्मा में लोभ व्याप्त होता है और वे दूसरों में कमियां निकालते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को
पुनः जन्म प्राप्त होने पर भी, परिश्रम करने के उपरांत भी कुछ प्राप्त नहीं होता। अतः यह निश्चित है कि हमें वही प्राप्त होता है जो हम देते हैं। यद्यद्ददाति पुरुषः तत्तत् प्राप्नोति केवलम्। नारायण नारायण। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, कहें कबीर निष्फल गया, गावही वेद पुराण। नारायण नारायण। जानते हो वत्स, स्कंद पुराण के माहेश्वर कुमारी खंड में उल्लेख है, मूर्खो हीना ददात रथानिह दारिद्र शंकया, प्रज्ञास्तु विसृजत्यर थान मुत्र तस्य शंकया। अर्थात अज्ञानी व्यक्ति ही दरिद्रता के भय के कारण दान नहीं करते, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति दान देने में किंचित भी संकोच नहीं करते, ताकि वे जन्म जन्मांतर तक प्रसन्नता और समृद्धि से संपन्न हो सकें। नारायण नारायण। थैंक यू सो मच नारद जी, रियली आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी। बस अब आंखें खोलने का ही समय है, मैं चलता हूँ, तुम भी निद्रा से उठो और नारायण नारायण। नारद जी और क्या, नारद जी, नारद जी, नारद जी, करण, ऑल गुड ब्रो, ये नारद जी कौन है? लक्ष्य तू? नारद जी कहाँ गए? नारद जी कहाँ गए? नारद जी कहाँ है? नारद जी? कोई सपना तो नहीं देख रहा था भाई? नारद जी यहाँ कहाँ से आ गए? ओह ये सपना, माँ कहती है दिव्य स्वप्न। What? Anyways, आज ग्लोबल डे ऑफ गिविंग है एंड आई विश टू डू सम चैरिटी यार, तू चलेगा मेरे साथ? अरे गजब, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली यार। अच्छा देख सुन, मैं एक एनजीओ को जानता हूँ और मेरी मम्मा वहाँ जाती हैं, बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज भी होती हैं वहाँ, जैसे गरीब बच्चों की एजुकेशन, ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स के लिए सर्विसेज, हेल्थ, एनवायरनमेंट और यहाँ तक कि कैदियों के सुधार के लिए भी काम करते हैं। ओह रियली, यू नो दैट प्लेस ना? या श्योर मैन आई डू। सुन आज मुझे वहाँ भोजन सेवा देने भी जाना है, यू जस्ट बी रेडी, वहाँ चलते हैं, पूरा दिन स्पेंड करते हैं और सच्चे मन से सेवा करते हैं। दैट विल बी द परफेक्ट ग्लोबल डे ऑफ गिविंग। व्हाट से? कूल ब्रो, आता हूँ फिर, बाय। अरे कूल नहीं, नारायण नारायण। गुड मॉर्निंग मम्मा, मम्मा, माँ, भोजन सेवा बन गई क्या? लेट हो रहा है। करण, भोजन? करण तू जाएगा भोजन देने आश्रम? तेरी तबीयत तो ठीक है? दिन हार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें या ते नीचे नैन। नारायण नारायण। धन्य है मारे जिया, हमारी छोटी छोटी बातें सुनते, हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं प्रभु, हम पर अहेतुक ही कृपा करते हैं प्रभु। आप धन्य, आप धन्य है मारे जी, आप धन्य। दीनन को दीने कीन्हे भव जल पाए।
जल पार हमारे